أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نصر من الله وفتح قريب يا الله مجھے فتح نصیب فرما। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि टेस्ट रैंकिंग के बारे में, कि आपको मालूम है कि काफ़ी दिनों से, मतलब 2 से 3 महीने से टेस्ट बहुत ज़्यादा खेले जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से प्लेयर्स के दरमियान कुछ प्लेयर्स ने तरक्की की है रैंकिंग में और कुछ प्लेयर्स नीचे आए। तो सबसे पहले हम बात स्टार्ट करते हैं मैन टेस्ट रैंकिंग बैटिंग, मतलब के टॉप के बल्लेबाज आईसीसी रैंकिंग में कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं केन विलियमसन, न्यूजीलैंड के जो हैं, इनके पॉइंट हैं 864 यानी 864, ये पहले नंबर पर मौजूद हैं। दूसरे नंबर पर जो है रूट 832 नंबर, और तीसरे नंबर पर हैं ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ 818, और चौथे नंबर पर हैं डेरिल मिचल न्यूजीलैंड के, इनके हैं 786 यानी 786, और ये भी चौथे नंबर पर हैं। पांचवें नंबर पर हैं दुनिया के सबसे फेमस प्लेयर, आजकल सबकी नज़रों में आने वाले प्लेयर्स, बाबर आजम 768, और उसके बाद दुनिया के टॉप जो सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड तोड़ने के अहलियत रखते हैं, वो हैं विराट कोहली 767 और इंडिया के हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के एक और प्लेयर्स हैं जो सातवें नंबर पर मौजूद हैं, उस्मान ख्वाजा, ये सातवें नंबर पर मौजूद हैं, इनके पॉइंट हैं 765। तो आप लोग ये अंदाज़ा लगाएं कि बाबर आजम से लेकर और उस्मान ख्वाजा, इन तीनों के दरमियान एक एक पॉइंट का फ़र्क है, मतलब आने वाली इनिंग्स में जो अच्छा खेलेगा वो और अच्छा हो जाएगा, मतलब उनकी रैंकिंग में बेहतरी आएगी, वो टॉप फोर थ्री में भी जा सकता है वो। तो उसके बाद इंग्लैंड के हैरी ब्रोक, वाओ, इनका भी नंबर पॉइंट देखें, पॉइंट कौन सा है 765, मतलब विराट कोहली और इनके पॉइंट सेम है। उसके बाद श्रीलंका के कुरुणा रत्ने 747, और दसवें नंबर पर हैं लबुशेन 746। ये टॉप 10 आईसीसी रैंकिंग है जो आज और न्यू अनाउंस हुई है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि आईसीसी का रूल है कि बुध के दिन वो अपनी रैंकिंग चेंज करता है, तब्दील करता है, तो बुध के दिन इनकी रैंकिंग में इजाफा होता है। तो आज इनकी रैंकिंग जो चेंज हुई है, तो उसके हिसाब से केन विलियमसन पहले, जोए रूट, स्टीव स्मिथ, डेरिल मिचेल, बाबर आजम, विराट कोहली, उस्मान ख्वाजा, हैरी ब्रोक और कुणाल रत्ने, लबुशेन, ये आईसीसी की तरफ से अभी न्यू अपडेट हुई रैंकिंग है। तो जिसमें बड़ी दिलचस्प की बात यह है कि 4 प्लेयर ऐसे हैं, यानी डेरिल मिचेल से लेकर और हैरी ब्रोक तक, इन चारों का मुकाबला है कि ये कौन पहले टॉप पे आता है, फोर में, टॉप के फोर में कौन आता है, ये इन चारों में मुकाबला है। देखते हैं कि कौन सा प्लेयर आएगा ऊपर, क्योंकि अभी इंग्लैंड का तो मैच अभी जारी है,
तो उसमें तो हैरी ब्रॉक को पहले नहीं खिलाया गया था, अब देखते हैं कि खिलाते हैं या नहीं खिलाते। और इसके अलावा इंडिया के विराट कोहली जो भी एक टेस्ट मैच में रेस्ट करेंगे तो उनका भी अभी ये चांस नहीं है, और शायद हो सकता है कि थर्ड टेस्ट में वो आ जाएं। और उसके बाद उस्मान ख्वाजा जो अभी इनका रेस्ट है, क्योंकि ये अभी वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज़ हुई थी तो उसमें तो ये अभी खेले थे, लेकिन अभी इनका कोई आगे आने वाले मैचेस बहुत कम है। और इसके बाद कौन है, बाबर आजम, और बाबर आजम अभी श्रीलंका में लीग खेल रहे हैं। और उसके बाद ये आगे PSL होगा, तो 2-3 महीने तो ये दूर हैं टेस्ट क्रिकेट से, तो ज़्यादा चांसेस हैरी ब्रोक के हैं और विराट कोहली हैं कि जो टॉप में आ सकते हैं। तो ये थी ICC टेस्ट रैंकिंग बैटिंग में। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोगों को मालूम है कि एक ही काम करना है कि आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, क्योंकि हमारी मेहनत है और मेहनत हमारी ज़ाया ना हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है और ये वीडियो मुकम्मल देखनी है। ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इसको ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।